नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सेजल। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार शिवकुमार पांडे द्वारा लेवरों व्यापारियों से ठगी कर 20 से 25 लाख रुपए बगैर दिए हुए फरार। कोतवाली थाना बड़वानी में बड़ी संख्या में की सामूहिक रूप से दर्ज कराई शिकायत। दरअसल बड़वानी थाने पर 15 से 20 लोगों ने आकर टीआई एसएस रघुवंशी से मिलकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार शिवकुमार पांडे के विरुद्ध शिकायत की, उनके रुपये लौटाए जाने की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार शिवकुमार पांडे द्वारा बिल्डिंग मटेरियल, मोबाइल, रंग रोगन का सामान नगद उधार लेकर कुछ रकम देने के बाद से बड़वानी से फरार है। वही कुछ समय तक मोबाइल पर रुपये देने के लिए आश्वासन देता रहा, बाद में मोबाइल भी बंद कर लिया था। साथ ही लेवरों को रुपये नहीं दिए, करीब 15 से 20 लोगों से करीब लाखों रुपये की ठगी की। बड़वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, वहीं बड़वानी टीआई ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सचिन सोनी, सचिन जी थाने पे आए हैं आपका था। ये शिव कुमार पांडे के पेमेंट लेनी थी और ब्लैंक चेक दे गए हैं, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। कौन है शिव कुमार पांडे? ग्वालियर, ग्वालियर साइड का है शायद। इसके मैंने ICICI बैंक में गोल्ड भी रखवाए थे और वहाँ पे भी इसका गोल्ड लोन NPO ख़राब हुआ है। हाँ, कॉन्ट्रेक्टर ही का काम था कुछ इसका, बताता था कि कॉन्ट्रेक्टर ही चलती है मेरी। कितने कितना मतलब नुकसान हुआ? मेरे करीब 80-90 हज़ार, 1 लाख के आसपास का है। थाने पे कितने लोग आए हैं? 20-25 लोग हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता है, मेरी दुकान है सीमेंट जरिया हार्डवेयर की। ये शिव कुमार पांडे कॉन्ट्रेक्टर है, PWD में ये काम करता था, तो इसने हमारे से सीमेंट ले गया है और पेमेंट दिया नहीं है उसने। कितना समय हो गया? ये लगभग माल लिया उसको हो गया 1 साल। कोरोना के टाइम? हाँ, कोरोना के टाइम पे माल लिया था, पेमेंट दे नहीं रहा है वो। कितना पेमेंट आया? मेरा 1.5 लाख रुपए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये था? कम से कम 20 से 25 लोग हैं जिसका पेमेंट बाकी है। उसमें लेबर भी है, मिस्त्री हैं, कारीगर लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कुछ पेमेंट नगद भी है लोगों का, मकान का भी है किराया, जहाँ पे वो रहता था किराए से उसका भी है पेमेंट बाकी। वहाँ ये रहता था ब्रज विहार कॉलोनी अमित नगर के पास। अनुज सिंह ठाकुर। अनुज जी थाने पर आए हैं क्या? सर, एक मिश्रा जी करके PWD में एक सर थे, जो पांडे जी जो यहाँ पे काम करते थे, वो हमारे से दुकान से मोबाइल उधार लेके गए हैं। 1,10,000-15,000 रुपये का हिसाब है। 2-3 महीने पहले तो बात भी हो रही थी, अभी तो उनका पूरी तरीके से बातचीत होना बंद हो गया है। पेमेंट के लिए जब भी तो कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, ये अली सिर्फ चूतिया लिटी कर रहे हैं। इसलिए आज अब हम सब परेशान होकर आज थाने आए हैं। कितने लोग आए होंगे थाने? थाने पर हम ये 10 लोग हैं सर, और कुछ लोग और हैं जो आज अभी आ नहीं पाए हैं। अगर यहाँ से कोई जवाब सही मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा कल हम SP ऑफिस जाएंगे। कितने पैसे होंगे? ये सर समझ के चलो कि 1-1, 2-2 लाख करके 20-25 लाख का घपला करके गए हुए हैं सर। कितने दिन से गए? ये लॉकडाउन के बाद कम से कम 10 महीने हो गए हैं सर, और अब तो पूरी तरीके से हाथ ऊँचे हो गए, मोबाइल ही बंद हो गया है। थाने पर शिकायत की है? थाने पर आज शिकायत कर दी है, आश्वासन दिया है कि कोई कार्रवाई होगी।